महागठबंधन सरकार के फैसले और बिहार के सभी दलों की सहमति के बाद बिहार में जातीय जनगणना का काम जो शुरू हुआ था न्यायालय में जाने के बाद अब कोर्ट के चक्कर काट कर वापस लौटे और अब इसकी जो गणना हुई है उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब आज यह सवाल पूछा गया कि आखिर जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट है वो जो सर्वे रिपोर्ट है वो आखिर कब शेयर किया जाएगा, कब वो जारी किया जाएगा, इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई है, जल्द ही वो डेटा जारी कर दी जाएगी। हालांकि वो गणना का काम करने वाले डिपार्टमेंट के अलग से लोग लगे हुए थे, वो जैसे जैसे अपनी तैयारी पूरी कर लेंगे वैसे वैसे रिपोर्ट जारी की जाएगी। हालांकि यह फैसला तब लिया गया था जब बिहार में 9 दलों की सहमति थी, 9 दलों ने एक साथ इस पर सहमति जताई, फिर यह फैसला हुआ कि जातीय जनगणना कराई जाए बिहार में। जातीय गणना की जो रिपोर्ट आ गई है और जब इसे सार्वजनिक किया जाएगा, इसके पहले नीतीश कुमार का कहना है कि वो फिर 9 दलों को एकजुट कर उनसे बातचीत करेंगे और उनकी उपस्थिति में उनसे राय मशवरा लेने के बाद ही रिपोर्ट को जारी किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी 2 अक्टूबर के मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे थे, गांधी जयंती के मौके कार्यक्रम में, और उस कार्यक्रम में जब यह सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री जी ये बताइए कि जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट है वो कब सार्वजनिक की जाएगी, इस पर नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि इसमें मेरा कुछ भी कहना फिलहाल जल्दीबाजी होगा, मैं अभी इस पूरे मामले पर कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, इतना जरूर मैं कहूंगा कि इस कार्यक्रम को करने के लिए सभी दलों की सहमति ली गई थी, सर्वदलीय बैठक हुई थी और उस बैठक में फैसला हुआ कि बिहार में जातीय जनगणना कराई जाए और जब इसकी रिपोर्ट आएगी तब भी सर्वदलीय एक बैठक बुलाई जाएगी, सभी दलों को बुलाया जाएगा। बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है और सरकार में शामिल जो सभी दल हैं, उन दलों के अलावा जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो सदन के अंदर मौजूद हैं, जिनकी सहमति उस वक्त थी, उनको भी एक बार फिर से बैठाया जाएगा और उन सभी दलों के सहमति के बाद जो बिहार में सर्वे कराया गया है उसकी रिपोर्ट जारी की जाएगी। लंबे समय से यह सवाल चल रहा था कि आखिर बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट कब जारी की जाएगी, इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ बता दिया तारीख कि कब जारी होगी बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट। सब बातों को मान करके काम कर रहे हैं, तो आप देखिए कितना अच्छा मूर्ति यहाँ पर लगा करके किया गया है, सब कुछ हम लोग किए हैं ना, तो कितना बढ़िया है। इन सब चीजों को देखिए और जो कुछ भी आज के दिन है, तो आज के दिन तो बापू के बारे में ही सब चीजों के बारे में चर्चा करिए, यही हम आपसे आग्रह करेंगे। एक दिन तो कम से कम उन्हीं की सब बातों को याद रखिए। बीजेपी लगातार कह रही है जेडीयू में अब जल्द ये हो जाएगा, चिंता मत, अभी हमसे मत पूछिए। जैसे ही जिसको दिया गया है जिम्मा वो तैयार होकर कर देगा, उसके बाद ही ना आप सब लोग जानिएगा। हम कुछ बोलना मेरे लिए उचित है, लगभग तैयार है जो हमको मालूम है, अब अपना घोषित करेगा, तो जब घोषित कर देगा उसका एक एक चीज के बारे में लोगों को जानकारी मिल जाएगी, बहुत अच्छा होगा। तभी नहीं, और उसके बाद तो हम लोग सब जो 9 पार्टियां एक साथ बैठी थी, ये सब होगा तो एक दिन हम लोग सब एक साथ बुलावेंगे कि देखो सबकी राय से ये बना, अब बन करके तैयार हो गया, एक बार कह देंगे। जेडीयू में जल्दी बड़ी टूट होगी, विधायक मंत्री पर आरोप लगाते हैं, कुछ लोग छोड़ के चले गए। धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। नमस्कार, मैं आपकी शिल्पा शिंदे, कैसिन बा, ठीक बा। जी हाँ, मैं 26 नवंबर पैनोरामा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आई पकड़े हैं।
संजय मिश्रा जी धन्यवाद करना चाहूंगी तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मेरा इंतजार करना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।